हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी की बुक जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेटा की थर्ड यूनिट के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पक्षियों में उड़ियन अनुकूलन की बात करेंगे। ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है, दो नंबर के क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि अनुकूलन क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि पक्षियों में उड़ियन अनुकूलन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राणी में अपने आप को स्वयं के वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल ढालने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों में भी कुछ ऐसे अनुकूलन पाए जाते होंगे जिसकी सहायता से वो आसानी से क्या हो सकते हैं कि हवा में उड़ पाते हैं, है ना। तो जो पक्षियों में पाए जाने वाले जो अनुकूलन होते हैं उनको हमने दो समूह में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है बाह्य अनुकूलन और दूसरा होता है आंतरिक अनुकूलन। ठीक है, आप देखते हैं कि दोनों किस टाइप के कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन ऐसे अनुकूलन होंगे जो हमको बाहर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ये निम्न टाइप के हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। अभी पहली है देह की आकृति। ठीक है, तो पक्षियों की देह की आकृति जो होती है वो धारा रेखित होती है, जो पक्षियों में सुगमता के साथ बिना किसी प्रयास के वायु की में आगे धकेलने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, तो पक्षियों की जो देह जो होती है, बॉडी की जो आकृति किस टाइप की होती है, धारा रेखित होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सुसंगठित देह। ठीक है, तो पक्षियों की जो पृष्ठ सतह जो होती है वो ढृढ़ होती है, वो हल्की होती है, तथा जो अधर सतह वो क्या होती है, भारी और मासल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पक्षियों की जो ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली सरफेस, वो कैसी होती है, पृष्ठ सतह जो होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, ढृढ़ होती है और हल्की होती है। ठीक है, वेरेज जो उसकी नीचे वाली जो सतह होती है वो कैसी होती है, वो भारी होती है। ठीक है, और उनका पेट वेट भी वहाँ पर होता है तो मांसल भी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, वायु में संतुलन बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, देह पर जो होता है पिच्छू यानी कि पंखों का आवरण। ठीक है, तो जो पक्षियों की जो त्वचा पर क्या होते हैं, पास पास व्यवस्थित तथा पीछे की ओर जो दृष्ट यानी पीछे की ओर झुके हुए जो पंख होते हैं, पिच्छ पाए जाते हैं। जो पिच्छ जो होते हैं इनके, ये हल्के होते हैं, इनके बीच बीच में क्या होते हैं, वायु फंसकर शरीर को क्या करती है, उत्प्लावकता जो होती है प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है, और चौथा हमारा पॉइंट है अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। जो पक्षी होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो अग्रपाद होते हैं वो नहीं पाए जाते, वो किसमें जो होते हैं रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो पश्चपाद होते हैं एक जोड़ी, वही क्या करते हैं, जो उनके चलने में सहायक होते हैं और वो थोड़े क्या होते हैं, मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पक्षियों में अग्रपाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो एक प्रकार एक विशेष जो क्या है, विशेष प्रकार की उड्डयन पेशियों जो क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार की जो उड्डयन पेशी होती है वह पिच्छों से युक्त होते हैं। ठीक है, ये पंख पक्षियों का क्या करते हैं, उड़ने के दौरान आगे धकेलने, इच्छित दिशा में मुड़ने तथा वायु में थामे रखने, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने तथा नीचे उतरने में जो होते हैं सहायक होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है छोटी पूंछ। जो पक्षी होते हैं उनमें हम देखा होगा कि पीछे जो होती है उनके वहाँ पे एक छोटी पूंछ पाई जाती है। ठीक है, ये जो होती है पूंछ जो होती है छोटी व पेशी होती है, तथा इस पे क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध पूंछ पिच संलग्न रहते हैं। ठीक है, जो पूंछ के जो पिच यानी पूंछ के जो पंख पाए जाते हैं वो संलग्न रहते हैं। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, दृढ़ होते हैं, तथा फैन की तरह फैल कर क्या करते हैं, पक्षी को उतरने में मदद करते हैं। ठीक है, अचानक रुकने बेवा बैठने के दौरान भी क्या करते हैं, ये संतुलन बनाए रखते हैं ना। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, चोंच है। तो पक्षियों में पक्षियों में क्या होते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाने के कारण क्या होते हैं, इनके सभी कार्य जो होते हैं, जैसे घोंसला बनाना हो गया, भोजन करना, चूजों की देखभाल, चूजों को भोजन देना मतलब उनकी देखभाल करना आदि जो भी सब कार्य होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, चोंच के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, तो चोंच जो होती है इनमें सारे काम करती है। फिर जो नेक्स्ट इनका अडेप्टेशन है वो है लोचदार ग्रीवा। ठीक है, तो पक्षियों में जो होती है लंबी ग्रीवा जो होती है, भोजन व जल तक पहुँचने, देह के पिच्छों को संवारने, मतलब कि जो वो बैलेंस नहीं रहते हैं तब उनको क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वापस सेट करके वापस उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो संवारने, आक्रमण करने में, तथा जो सिर को चारों ओर घुमाने में भी क्या होती है, इनकी जो ग्रीवा होती है वो सहायक होती है ना। अब जो पक्षी होते हैं उनमें क्या होता है, द्विपादी गमन होता है। ठीक है, इनमें चार पाद होते नहीं हैं, दो आगे पाद जो होते हैं पंख में वो जो होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो बचे जो दो पाद पीछे के जो पाद होते हैं वही क्या करते हैं, गमन में सहायक होते हैं। तो पक्षियों के पास पाद कुछ आगे की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, जिस पर पूरी देह का जो होता है भार होता है। जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं के पश्चपाद जो होते हैं तैरने हेतु क्या होता है, चप्पू की तरह कार्य करते हैं, और जिनकी अंगलियां होती है उनके बीच में क्या होता है, जाल पाया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा दूसरा टाइप का अनुकूलन होता है वो आंतरिक अनुकूलन होता है। ठीक है, आंतरिक अनुकूलन में क्या हो जाएगी, अंतर जो इनके क्या क्या अनुकूलन होते हैं। ठीक है, तो इनको भी जो होता है बहुत से जो होते हैं सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है अंतः कंकाल के अनुकूलन। ठीक है, तो पक्षियों में जो अंतः कंकाल जो होता है उड़ियन के अनुकूल होते हैं। ठीक है, जो इनका अंतः कंकाल जो पाया जाता है एंडोस्केलेटन, वो जो होता है उड़ने के जो होता है बिल्कुल अनुकूल होता है।
इनकी अस्थियाँ जो होती है बिल्कुल हल्की होती है और क्या होती है, सघन होती है, ठीक है। इनमें डेंसिटी भी ज़्यादा होती है इनकी बोन्स में, ठीक है। इनमें तीन तरह के जो होते हैं, तीन तरह के कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है कपाल। तो पक्षियों में जो कपाल होता है वो क्या होता है, हल्की व खोखली अस्थियों का बना होता है ना। इनमें जबड़ों व दांतों के स्थान पर क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है, ठीक है। अब जबड़े और दांत होते हैं तो इनके क्या होता है, शरीर का जो कपाल का वेट होता है और थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इनके स्थान पर क्या होगी, इनके चोंच पाई जाती है, ठीक है। पक्षियों में खोपड़ी कम अस्थियों की जो होती है बनी होती है, तथा इनका जो स्टर्नम होता है वो क्या होता है, बड़ा और उसकी नोतल चौड़ी होती है, ठीक है, ताकि उन पर उड़ियन पेशियों के जुड़ने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो पक्षियों की जो स्टर्नम होती है कहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इनका जो पेट वाला भाग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फैला हुआ जो होती है इनकी नोतल चौड़ी होती है, ठीक है। स्टर्नम भी बड़ा होता है ताकि क्या हो जाएगी, उसमें जो उड़ियन पेशियाँ ज़्यादा ज़्यादा जुड़ पाएगी, ठीक है। अब जो इसमें सेकेंड जो इनका है एंडोस्केलेटन का पार्ट, वो है कशेरुक दंड, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, इनमें दृढ़ वो पसलियाँ भी क्या होती है, इनकी चपटी होती है, ठीक है। इनकी जो है ग्रीवा लचीली होती है, तुमको पता है पहले बात करी थी इस बारे में। अंतिम वक्ष कशेरुक को छोड़कर, ठीक है, सभी वक्ष कशेरुका जो होती है आपस में जुड़कर एक अक्ष बनाती है, ठीक है। जो उड़ते समय क्या करती है कि पक्षी के घात करने में एक दृढ़ सपोर्ट प्रदान करती है ना। अब तीसरा जो है इनके उपांग के कंकाल, ठीक है। तो क्लेविकल जो और इंटर क्लेविकल जो अस्थियाँ होती है, ठीक है, वो मिलकर किसका निर्माण करती है, फरकुला का निर्माण करती है, जो सिर्फ उड़ने वाले पक्षियों में ही पाया जाता है, ठीक है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, सिर्फ तीन तीन उंगलियाँ ही इनके जो होती है पादों में पाई जाती है ना। अब श्रोणी मेखला भी उड़ाने के लिए अनुकूलित होती है। इलियम जो होती है बड़ी होती है और पेशियों के चिपकने के लिए क्या करती है, आधार प्रदान करती है। अब जो दूसरा इनका अडेप्टेशन है वो इनके जो होते हैं आहार नाल से रिलेटेड है। तो इनकी जो आहार नाल में मलाशय जो होता है हासित होता है, ठीक है। मलाशय हासित होगा तो उससे क्या होगा, रिक्तम ही नहीं रहेगा, तो इनको जो अपशिष्ट जो भोजन होता है उसको स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अपचित भोजन देह में संग्रहित ही नहीं होता है, तुरंत उनका निष्कासन कर दिया जाता है, जिससे शरीर का भार भी जो होता है नहीं बढ़ता है, ठीक है। तीसरा अडेप्टेशन है इनका श्वसन तंत्र से रिलेटेड, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है, तो पक्षियों में फेफड़ों के अतिरिक्त क्या होते हैं, वायुकोश भी जो होते हैं, एयर सेक भी बहुत सारे पाए जाते हैं, वायुकोश पाए जाते हैं, जो पक्षियों के क्या होते हैं आंतरांगों के बीच में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। इनके कारण क्या होता है, देह में उत्प्लावकता बनी रहती है, जितने ज़्यादा एयर स्पेस होंगे उसके अंदर, ठीक है, वायुकोश होंगे तो उनसे ज़्यादा क्या होगी, उसकी जो उत्प्लावकता होगी तो ज़्यादा बढ़ेगी और वायु में ज़्यादा देर तक वो तैर पाएगा, ठीक है। अब पक्षी जो होते हैं उनमें चौथा जो एडेप्टेशन है वो है नियत तापी, ठीक है। तो इनके देह का ताप कैसा रहता है, स्थिर बना रहता है, जिसके कारण वायु में आसानी से उड़ सकते हैं। अधिक ऊंचाई व कम ताप वाले क्षेत्रों में भी पक्षी क्या होते हैं, सक्रिय रहता है, ठीक है। अब इनका ताप जो स्थिर बना रहेगा, इसके कारण क्या होगा कि ये अधिक ऊंचाई पे भी उड़ पाएंगे, कम ताप वाले क्षेत्रों में भी इस पक्षी के रहते हैं सक्रिय रह पाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पांचवा डेप्रेशन है प्रभावी उत्सर्जन, ठीक है। तो पक्षियों में मूत्राशय भी जो होता है नहीं पाया जाता है, ठीक है, मलाशय भी नहीं है, मूत्राशय भी नहीं आता है, क्या होगा कि मूत्र देह का भार भी जो होगा नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तथा जो उत्सर्जी पदार्थ हुए हैं वो भी क्या है, अर्धठोस जो होता है यूरिक अम्ल है, ठीक है, के रूप में देह के रूप में निष्कासित किया जाता है। तो इसमें क्या होती है, पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होती है ना। अब छठा जो इसमें अडेप्टेशन है वह है जनन अंग का अडेप्टेशन, ठीक है। जनन अंग के अडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो पक्षियों में देह का भार कम करने के लिए इनमें केवल एक ही जो होता है बाह्य अंडाशय व बाह्य अंडवाहिनी पाई जाती है, ठीक है। ये अंडे देते हैं, ठीक है, अतः शिशु का भार भी वहन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये अंडे देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनको शिशु होंगे, ठीक है, उनका वजन भी क्या होगा कि इनको वहन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और हल्के हो जाते हैं इससे, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, बलिष्ठ जो होती है उड़ियन पेशी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इनमें बहुत सारी उड़ियन पेशियाँ पाई जाती है, जिसलिए क्या करते हैं, आसानी से उड़ पाते हैं। तो पक्षियों में क्या होता है, मैं यह पेशियाँ अत्यधिक विकसित होती है, जो उड़ियन पेशियाँ होती है पक्षियों में अत्यधिक विकसित होती है, जो देह के भार का लगभग जो होती है 50% भाग जो होती है उड़ियन पेशियाँ ही बनाती है। इनका कार्य पक्षी को नीचे उतारने व उठाने पंखों की सहायता से जो होता है किया जाता है, ठीक है। अब ये पेशियाँ कौन कौन सी हम देख लेते हैं, पहली है पेक्टोरोलिस मेजर, ठीक है, फिर है पेक्टोरोलिस माइनर, फिर है सहायक अनुवन पेशियाँ, चौथी है डेल्टोइड पेशियाँ, पांचवी है ब्रेंकियो रेडियोलिस पेशियाँ, ठीक है, छठी हमारी है अंतस्थ पेशियाँ, सातवीं है कार्पस प्रसारणी पेशियाँ, आठवीं हमारी है स्केपुलो ह्यूमरल तथा ह्यूमरल पेशियाँ, ठीक है, स्केपुलो ह्यूमरल तथा कौन सी ह्यूमरल पेशियाँ। अब जो नवी पेशियाँ हमारी वो है अंगलियों की पेशियाँ, ठीक है। तो ये जो होती है नौ पेशियाँ, इनकी ही सहायता से पक्षी क्या होता है, आसानी से उड़ पाता है, अपने आप को जो होता है उठा पाता है, तथा हवा में जो होता है आसानी से तैर पाता है, ठीक है। अब आठवीं जो है अडेप्टेशन है वो है पक्षी में सादगी क्रिया, ठीक है। तो पक्षी में सादगी क्रिया वो देख लेते हैं हम एक बार। तो जब पक्षी डाल पर बैठता है तो क्या होती है कि उसकी पिछली टांगें झुकती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, टार्सो और मेटा टार्सो जो अस्थियाँ होती है के बीच जो होती है मिजो टार्सल जो अस्थि होती है
आगे की ओर झुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अंगुलियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियाँ होती है वो खिंच जाती है। अब अंगुलियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ खिंचेगी तो क्या होगा, तो अंगुलियाँ जो है पेड़ों की टहनी पर जो होती है झुक जाती है और उसे कसकर क्या कर लेती है, उसे कसकर पकड़ लेती है। इस प्रकार पक्षी जो होते हैं पतले तार, रस्सी, टहनी आदि पर बैठकर आसानी से क्या कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, है ना। अब जो नौवा जो इसका एडेप्टेशन है वो है मस्तिष्क व संवेदांग, ठीक है। तो मस्तिष्क और संवेदांग में क्या होता है, मस्तिष्क कैसा है, बड़ा है और उनमें संतुलन, पेशी समन्वय और एकाग्रता आदि की उन्नत क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। नेत्र व दृष्टि पिंडक भी बड़े व विकसित होते हैं जो पक्षी को दृष्टि का ज्ञान व चतुर बनाते हैं, है ना। तो ये सब जो है इनके क्या है, आंतरिक और ये बाह्य अवकूलन है, ठीक है। तो इनमें हमको दो देखे हैं मेन, तो अपन ने कि एक तो देखा हमने बाह्य अनुकूलन देखे, एक आंतरिक अनुकूलन देखा, ठीक है। तो इन अनुकूलनों को याद करके अपन को एज इट इज़ जब बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का इसी कैसे ही लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो अब बाह्य अनुकूलन को हम भी याद करने की एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, पक्षी का एक डायग्राम बना लेंगे और उसमें हमको क्या क्या दिखता है, बेसिकली वही वही चीज़ें हमको क्या बतानी होती है, वही इसमें बतानी होती है, ठीक है। कैसे बता सकते हैं हम, जैसे पक्षी का हम डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हमको पक्षी की देह दिखेगी, ठीक है। तो पक्षी की देह की आकृति के बारे में बता सकते हैं हम, उसकी देह कैसी है, तो सुसंगठित देह है उसकी। अब देह पे क्या दिखेंगे हमको, तो देह पे हमको बहुत सारे क्या दिखेंगे, पंख दिखेंगे, देह पे हम बता सकते हैं पिच्छों का आवरण। फिर हमको क्या दिखेगा कि इसमें हमको दो पाद दिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अपन को अग्रपाद नहीं दिखेंगे, तो इससे हम बता सकते हैं कि अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए हैं, ठीक है। अब फिर हम इसमें बता सकते हैं कि इसी पूंछ जो होती है वो भी छोटी होती है, छोटी पूंछ पाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या हम देखते हैं, पक्षी में हमको देखने में दिखता है केवल इसके मुख के आगे चोंच है और दूसरी चीज़ है नहीं, जबड़े और दांत वात नहीं है, ठीक है। तो चोंच के बारे में बता सकते हैं, फिर इसके चोंच के पीछे इसके मस्तिष्क के नीचे क्या होती है, ग्रीवा होती है। तो ग्रीवा के बारे में बता सकते हैं कि ग्रीवा इसकी लोचदार ग्रीवा होती है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए हैं, तो जो इनका गमन होगा केवल क्या होगा, दो पादों से ही होगा, तो हम इनमें द्विपादी गमन भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनके जो होते हैं बाह्य अनुकूलन आसानी से बता सकते हैं और आंतरिक अनुकूलन भी इसी टाइप से हम बता सकते हैं और इजीली इसको हमको बड़े जब 10 नंबर में आता है तो आंतरिक और बाह्य दोनों अलग करके हमको इनके बारे सबके बारे में लिखना है आराम से, ठीक है।